सो इसके बाद आपको सिंपली ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस कर देना है, तो आपके पास यहाँ पर जो भी डाटा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग एलोकेशन करने वाले हैं, एलोकेशन इन डायनेमिक पार्टीशनिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले एलोकेशन का मतलब क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी मेमोरी में मल्टीपल होल्स अवेलेबल हो सकते हैं जिनका साइज हमारे आने वाली जॉब से बड़ा हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में हमारा मेमोरी मैनेजर एक होल को सिलेक्ट करता है कुछ पॉलिसीज के बेस पे। अब वो हमारे पास बहुत सारी पॉलिसीज है, एक है फर्स्ट फिट पॉलिसी, दूसरी है बेस्ट फिट पॉलिसी, फिर है वर्स्ट फिट पॉलिसी एंड लास्ट है हमारी नेक्स्ट फिट पॉलिसी। सो हम लोग फर्स्ट फिट पॉलिसी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फिट पॉलिसी में क्या होता है, जो हमारा मेमोरी मैनेजर होता है वो बिगनिंग से स्कैन करना स्टार्ट करता है और उसको जो भी एक बड़ा सा स्पेस मिलता है जो हमारी जॉब के लिए फिट होता है वो उसमें हमारी जॉब को स्टोर कर देता है। सो हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास चार प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इन चारों का जो साइज है, ठीक है, जितना ये स्पेस लेना चाहते हैं वो अलग अलग है। और जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है ये हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारी मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी में हमारे इस तरह से डायनेमिक पार्टीशनिंग बनी हुई है, क्योंकि हम लोग डायनेमिक पार्टीशनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन अभी तक खत्म नहीं हुई है और कुछ प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन खत्म हो चुकी है। जो ब्लॉक्स हमारे पास यहाँ पे फिल्ड है इनकी अभी एग्जीक्यूशन चल रही है और जो ब्लॉक्स हमारे पास खाली है उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो खत्म हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट फिट पॉलिसी के थ्रू अपनी प्रोसेस जो P1 है उसको हमें एलोकेट करना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट फिट पॉलिसी में हम स्टार्टिंग से स्कैन करना स्टार्ट करते हैं और जो भी हमारी प्रोसेस के कैपेबिलिटी को देखते हुए जो भी ब्लॉक हमें खाली मिलता है जिसमें हमारी प्रोसेस फिट होती है हम उसी में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। अब जो पहला ब्लॉक है उसमें ऑलरेडी एक प्रोसेस है, हम उसमें स्टोर नहीं कर सकते। जो सेकंड ब्लॉक है वो खाली है लेकिन इसका क्या साइज है, 150K, लेकिन हमारी प्रोसेस का क्या साइज है, 300K, तो हम इसको इसमें स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट ब्लॉक का साइज 300K है लेकिन वो फिल्ड है, ठीक है। हमें हमारी प्रोसेस के साइज के अकॉर्डिंग ब्लॉक मिल गया था लेकिन उसमें ऑलरेडी एक प्रोसेस है, उसकी एग्जीक्यूशन चल रही है, हम उसमें फिल कैसे कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और वो खाली भी है और उसका जो साइज है वो 350K है, यानी हमारी जो प्रोसेस है वो इसमें आराम से फिट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अपनी प्रोसेस को यहाँ पे फिट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 300K, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस P1 है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोसेस P1, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, जो भी हमें फिट ब्लॉक मिला अपनी प्रोसेस के लिए वहां पे हमने अपनी प्रोसेस स्टोर कर दी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 300K का जो हमने प्रोसेस थी उसको तो स्टोर कर दिया लेकिन अभी हमारे पास कितनी के बची है, अभी हमारे पास 50K बाकी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको दोबारा से यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है कि अगर हमने हमारे पास 350K का ब्लॉक था और उसमें हमने एक 300K की प्रोसेस स्टोर कर दी तो बाकी बचे हुए ब्लॉक को हम यूज नहीं कर सकते। डायनेमिक पार्टीशनिंग में ऐसा नहीं होता है, हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं P2 प्रोसेस की तरफ, ठीक है। P1 प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम फर्स्ट फिट पॉलिसी के थ्रू P2 प्रोसेस को करेंगे। तो फर्स्ट फिट पॉलिसी क्या कहती है कि बिगनिंग से स्टार्ट करो, आपको जो भी ब्लॉक खाली मिलता है आप उसी में अपनी जो प्रोसेस है उसको स्टोर कर दो। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 50K हमारा जो है वो फिल है, तो यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक है 150K का, तो हम क्या करेंगे यहीं पे अपनी प्रोसेस को स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो ये होगी हमारी 25K और ये जो हमारी प्रोसेस है ये है हमारी P2 प्रोसेस।
ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे कितना बचा है, हमारे पास 125K अभी हमारे पास स्पेस बचा हुआ है, हम इसको दोबारा से रियूज कर सकते हैं। हमारी P2 प्रोसेस भी हो गई, अब आते हैं हम P3 प्रोसेस पे। सो P3 प्रोसेस का जो साइज है वो है 125K और हमारे पास यहाँ पे 125K अवेलेबल है, तो हम इसको यहीं पे स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी P3 प्रोसेस। फिर आते हैं हम P4 प्रोसेस पे। P4 प्रोसेस में हमें चाहिए 50K, तो अब ये सारे ब्लॉक्स तो फिल हो चुके हैं, हमारे पास ये एक ब्लॉक बचा है, हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो ये है हमारी P4 प्रोसेस। तो इस तरह से फर्स्ट फिट पॉलिसी काम करती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ट फिट पॉलिसी। अब ये पॉलिसी क्या कहती है, सो बेस्ट फिट पॉलिसी हमें क्या कहती है, इसमें जो हमारा मेमोरी मैनेजर होता है, ठीक है, जो भी हमारे होल्स हमारी मेमोरी में खाली होते हैं उनको सर्च करता है, और जो भी होल हमारे प्रोसेस के साइज से क्लोजेस्ट होता है और उससे मैच करता है, हम उसमें क्या करते हैं, अपने प्रोसेस को स्टोर कर देते हैं। ये आपको अभी एग्जांपल से समझ आ जाएगा। सो ऊपर जो मैंने एग्जांपल लिया था वही मैंने यहाँ पे भी लिया है, तो हम इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास P1 प्रोसेस है जो कि 300K की है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हमने बिगनिंग से स्टार्ट करना है, हम क्या करेंगे, होल्स देखेंगे, ठीक है, जो भी हमारी प्रोसेस के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हमारी प्रोसेस आने वाली है, तो अब हमारे पास ये होल बचा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने प्रोसेस को स्टोर कर देंगे। सो ये हो गया हमारी P1 प्रोसेस और ये है हमारी 300K, ठीक है, हमारे पास 50K बच गया। अब नेक्स्ट है हमारे P2 प्रोसेस, ठीक है। अब P2 प्रोसेस में हमारे पास दो होल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन बेस्ट फिट पॉलिसी क्या कहती है कि जो भी आपकी प्रोसेस है, ठीक है, और जो भी आपके पास होल अवेलेबल है, आपको क्या करना है, सबसे नियरेस्ट वाला होल ढूंढना है कि जिसमें आपकी प्रोसेस अच्छे से फिट हो सके, और उसके बाद जो स्पेस बचे वो भी बहुत कम बचे। तो यहाँ पे इसको स्टोर नहीं करेंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ा स्पेस है, हम यहाँ पे 50K वाले में इसको स्टोर करेंगे। तो ये हमने कर दिया, ये है हमारी P2 और दोबारा से हमारे पास 25K बच गया, ठीक है। तो P1 हो गई, P2 हो गई, P3। अब P3 क्या है, अब ये जो प्रोसेस है इसका साइज इससे तो मैच हो नहीं रहा है, ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे, और ये हमारी प्रोसेस के साइज के क्लोजेस्ट भी है, तो यहाँ पे हम अपनी P3 को स्टोर कर देंगे। P3 125K, यहाँ पे हमारे पास 25K बच गया, ओके। देन आता है हमारे पास 50K। अब जो हमारी प्रोसेस का साइज है वो 50K, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 50K तो हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं। हमारे पास 50K अवेलेबल है, लेकिन वो क्या है, कंटीजियस मैनर में नहीं है, उसके बीच में और भी प्रोसेसेस हैं, तो हम P4 प्रोसेस को स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास जो साइज अवेलेबल है वो कॉन्टीजियस मैनर में नहीं है, यानी एक साथ नहीं है, वो अलग अलग जगह पे है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम आधी प्रोसेस को यहाँ पे स्टोर कर दे, आधी प्रोसेस को यहाँ पे स्टोर कर दे, तो हम इस प्रोसेस को यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। तो ये कुछ बेस्ट फिट पॉलिसी का थोड़ा ड्रॉबैक भी हो सकता है कि इसमें कई बार हमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब नेक्स्ट है हमारी वर्स्ट फिट पॉलिसी। अब आप नाम से देख सकते हो कि ये वर्स्ट फिट पॉलिसी का क्या मतलब हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जो मेमोरी मैनेजर होता है वो होल्स में सर्च करना स्टार्ट करता है, और जो सबसे बड़ा होल होता है उसी में प्रोसेस को स्टोर कर देता है, चाहे उसका साइज उसे मैच करे या ना करे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास P1 प्रोसेस है, ठीक है, तो P1 प्रोसेस अब यहाँ पे सबसे बड़ा होल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना प्रोसेस को स्टोर कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे तो हमारे पास यही अवेलेबल है, ठीक है, 300K। अब आता है हमारा
25K जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है। अब यहाँ पे हमारे पास 50K बचा है। अब बेस्ट फिट पॉलिसी में क्या होता था कि यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वाला स्पेस में हम क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं ताकि हमारा कम से कम मेमोरी खराब हो, वेस्ट हो, ठीक है। लेकिन वर्स्ट फिट पॉलिसी क्या कहती है कि जितना बड़ा आपको स्पेस मिल रहा है ना वहीं पे स्टोर कर दो। तो ये क्या करेगी, यहाँ पे स्टोर कर देगी 25K। तो हमारे पास यहाँ पे 125K बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आता है हमारा P3, तो इसको हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ये अवेलेबल है, ठीक है। और P4 आ गया हमारा, इसको हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो वर्स्ट पॉलिसी इस तरह से काम करती है। अब सिंपल सा क्वेश्चन आप सब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ये वर्स्ट फिट पॉलिसी इतनी ज्यादा वर्स्ट है तो हम इसको यूज क्यों करते। इस पॉलिसी को यूज करने का रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बिकॉज जब भी हम किसी भी जॉब को एक लार्ज हॉल में प्लेस करते हैं तो उतना ही बड़ा हॉल हमारे पास बचता है। तो अगर बड़ी वाली अगर कोई जॉब आती है तो हम उस बड़े हॉल में उसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कई बार वर्स्ट फिट पॉलिसी का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट फिट पॉलिसी। ये फर्स्ट फिट पॉलिसी का ही वेरिएशन है। जो नेक्स्ट फिट पॉलिसी है ये, इसमें क्या होता है कि जैसे फर्स्ट फिट पॉलिसी में हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते थे सर्च करना, ठीक है, जो भी खाली होल हमारे पास अवेलेबल होता था उसमें अपने प्रोसेस स्टोर कर देते थे। इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फिट पॉलिसी में कहां से करते थे, यहां से। इसमें हम लोग करेंगे यहां से स्टार्ट, स्कैन करना स्टार्ट करेंगे कि जो भी हमें खाली होल अवेलेबल मिलेगा उसी में हम स्टोर कर देंगे। सो हम लोग एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहली हमारी जो प्रोसेस है वो है 300K की, ठीक है। मैंने सेम एग्जांपल लिया है, तो हम लास्ट से स्कैन करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 350K का हमें ब्लॉक अवेलेबल है, तो हम इसको यहाँ पे स्टोर कर देंगे। ये होगी हमारी P1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 300K। फिर नेक्स्ट आती है हमारी P2 जो कि है 25K की। अब हमारे पास यहाँ पे 50K बच गया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लास्ट से स्कैन करना स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट में वापस 25K का जो ब्लॉक है वो खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारी प्रोसेस आ सकती है, तो हम यहाँ पे इसको स्टोर कर देंगे। फिर भी हमारे पास 25K बच जाएगी, ठीक है। तो फिर आता है हमारा 125K। अब हम यहाँ से स्कैन करना स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे स्पेस तो अवेलेबल है, होल तो अवेलेबल है, लेकिन उसका साइज हमारी प्रोसेस के साइज से मैच नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ से स्कैन करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा, तो हम यहाँ पे 125K यूज कर लेंगे। अपनी जो भी P3 प्रोसेस है उसको यहाँ पे स्टोर कर देंगे, हमें यहाँ पे मिलेगा 25K बच जाएंगे, और ये 125K में हम अपने प्रोसेस को स्टोर कर देंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे P4 प्रोसेस। तो P4 प्रोसेस के लिए हमें 50K स्पेस चाहिए। अगेन वही कंडीशन आ रही है कि हमें मिल नहीं रहा है, मतलब है तो हमारे पास स्पेस अवेलेबल, लेकिन वो 25K कंटीजियस मैनर में नहीं है, एक साथ नहीं है। सो अब हम लोग देखते हैं कि हमारी जो सारी पॉलिसीज हैं उसमें डायनेमिक पार्टीशनिंग के लिए कौन से सबसे वाली बेस्ट है। तो ये तो बेस्ट नहीं है, बिकॉज हम इसमें अपनी एक प्रोसेस को स्टोर कर ही नहीं पाए, तो ये हमारे लिए बेस्ट नहीं है। फिर आते हैं हम वर्स्ट फिट पॉलिसी पे। ये वर्स्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे होल्स अच्छे से फिल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं कि ये बेस्ट है। अब बेस्ट फिट पॉलिसी की बात करते हैं। अब फिक्स पार्टिशनिंग में हमने ये तीन पॉलिसीज करी थी, फर्स्ट फिट पॉलिसी, बेस्ट फिट पॉलिसी एंड वर्स्ट फिट पॉलिसी। सो बेस्ट फिट पॉलिसी फिक्स्ड पार्टिशनिंग में बहुत अच्छा काम करती है। उसमें अच्छे से हमारे जो ब्लॉक्स हैं उसमें प्रोसेस अच्छे से स्टोर हो जाती है, कोई भी खाली ब्लॉक नहीं बचता है, बहुत मुश्किल से बचता है। तो बेस्ट फिट पॉलिसी यहाँ पे हमारे डायनेमिक पार्टिशनिंग में अच्छे से काम नहीं करती है। अब फर्स्ट फिट पॉलिसी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे अच्छे से होल्स फिल हो चुके, तो ये भी अच्छे से काम करिए। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट फिट पॉलिसी एंड वर्स्ट फिट पॉलिसी डायनेमिक पार्टिशनिंग में अच्छे से काम करती है। सो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट फिट पॉलिसी में
और बेस्ट फिट पॉलिसी में हमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। हम अपने लास्ट प्रोसेस जो हमारी 50 की प्रोसेस थी उसको हम स्टोर नहीं कर पाए। तो इसमें क्या किया जाए, इसमें भी हमारे पास एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का टॉपिक है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। सो गाइज, अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो, अगर आपको ये सारी पॉलिसीज अच्छे से समझ आई हो, तो मेक श्योर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।